बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे YouTube चैनल जायका फूड में खुश आमदीद। आज जायका फूड के किचन में बन रहा है आड़ू का रिफ्रेशिंग जूस। ये बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। आड़ू का जूस एक एनर्जी ड्रिंक है जो कि आपकी स्किन की हिफाजत करता है और आपकी स्किन कलर को भी फेयर करता है। अगर आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे तो और भी ये टेस्टफुल बनेगा। मैं आपको जूस को आसान तरीके से सेव करना भी बताऊंगी। आड़ू का जूस शुगर के मरीज के लिए इंतहाई मुफीद होता है। मैं साथ ही साथ इसके फायदे आपसे शेयर करूंगी और साथ ही साथ हम रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये सुपर टेस्टी रेसिपी कैसे बनाई जाती है। चलिए अब हम इनकी कटिंग करते हैं। आड़ू को काटने के बाद हम इसको एक पैन में डाल देंगे। कोई पैन हो, कोई हांडी हो, आप उसमें डाल दीजिए। अब हम इसमें एक प्याले के मुताबिक पानी डालेंगे क्योंकि हमने इसको स्मूथ करना है। हाफ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे जो कि घर में रेगुलर नमक होता है। 1000 ग्राम मैंने आड़ू लिए हैं। अब मैं इसमें एक प्याली चीनी ऐड करूंगी। कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, बास कच्चे आड़ू होते हैं उनमें मिठास कम होती है। ये पके हुए आड़ू है, रसीले वाले। अब हम इसके नीचे स्लो फ्लेम से आग जला देंगे और इसको पकने देंगे। इसको हमने सॉफ्ट करना है। इसको थोड़ा मिक्स कर देते हैं और कवर करके रख देते हैं 5 से 6 मिनट के लिए। थोड़ा सा स्पेस रख के हम इसको कवर कर देते हैं। ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं क्योंकि हमने इनको मसल के तैयार करना है। चमक भी आ गई है इनमें। अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 बड़े लेमन का जूस होता है ना, वो मैंने डाल देना। आजकल मार्केट में बहुत छोटे छोटे लेमन आ रहे हैं और उनमें जूस भी बहुत कम है। मैंने 6 से 8 लेमन लिए थे और उनका ये मैंने जूस निकाला है। ये इसलिए मैंने ऐड किया है ताकि हम इसको 2 हफ्ते के लिए सेव कर लेंगे। ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए करना हो तो फिर इसमें कुछ केमिकल डाले जाते हैं जैसे बेंजोएट वगैरह, वो सेहत के लिए भी कुछ अच्छे नहीं होते। हम 2 हफ्ते के लिए सेव कर रहे हैं इसलिए हम इसमें लेमन जूस ऐड कर रहे हैं। लेमन जूस ऐड करने के बाद 1 मिनट हम इसको पकाएंगे और फिर हम इस गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। चलिए 1 मिनट हो चुका है, हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, इनको मसलना है। आप किसी भी चीज़ से मसल सकते हैं। मैं इससे के साथ इसको मसल रही हूँ। हमने इसको स्मूथ फॉर्म में लाना है। आपके घर में जो भी कोई चीज़ हो आप वो ले लें। आड़ू हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। ये एक नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा फल है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में बहुत मज़े का है। मज़े का होने के साथ साथ इसके हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम ये अपनी डाइट में शामिल करें तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे करीब भी नहीं भटकेंगी। अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसको स्ट्रेन करेंगे। अगर फ्रेश जूस आपने दिन में पीना हो तो आप यूं ही इसका पी सकते हैं, पकाए बगैर भी पी सकते हैं, लेकिन ये हम 2 हफ्ते के लिए सेव कर रहे हैं इसलिए हमने इसको बॉयल भी दिया है, सॉफ्ट करके अब स्ट्रेन करेंगे
और लेमन जूस हमने इसीलिए इसमें डाला है कि दो हफ्ते के लिए हम इसको सेव कर सकें। इसको हमने देखिए स्टेन कर लिया है। अब हम इसको सेव कैसे करेंगे, किसी भी कंटेनर में डाल लें, एयर टाइट हो, ऊपर इसका कवर लग रहा हो, आप इसको कवर करके फ्रिज में रख सकते हैं। दो हफ्ते के अंदर जब भी आपका जी चाहे तो आप इसको ड्रिंक बनाएं और पिएं। इतना स्मूथ फॉर्म है, इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। कितने आसान तरीके से हमने आड़ू का पल्प तैयार कर लिया। अब हम इसको कवर करके फ्रिज में रख देंगे और दो हफ्ते के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आड़ू का मज़े का ड्रिंक तैयार करेंगे। इसको ठंडा करने के लिए हम सबसे पहले गिलास में आइस क्यूब्स शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसमें आड़ू का पल्प ऐड करेंगे, या आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, जितना आप टेस्ट पसंद करते हैं। फिर हम इसको डिल्यूट करने के लिए इसमें पानी ऐड करते हैं। आप पानी की जगह कोई कोल्ड ड्रिंक्स भी यूज़ कर सकते हैं, एज यू विश। मैं तो पानी से ही इसको तैयार कर रही हूँ। पानी डालने के बाद फिर आप इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको प्रेजेंटेबल थोड़ा करने के लिए इसको थोड़ा डेकोरेट करेंगे। तो बहुत ही मज़े का ड्रिंक तैयार हो रहा है। तो लीजिए, आपका रिफ्रेशिंग एनर्जी ड्रिंक तैयार है। इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी ही मज़े मज़े की रेसिपीज लाती रहूँगी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।